राहुल नाम का एक लड़का था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। बकरियाँ बहुत पसंद थी, इसलिए वो दूसरों की बकरियों को चराने के लिए ले जाया करता था। एक दिन राहुल ने अपनी माँ से जिद की कि मुझे भी एक बकरी चाहिए। राहुल को रोता देख उसकी माँ दूसरे दिन राहुल के लिए बकरी लेने जाती है। आ जाने के बाद राहुल उस बकरी के साथ खेला करता था। बकरी के दो बच्चे भी थे। वह बकरी बहुत ही अधिक दूध देती थी, जिसके कारण राहुल को काम पर नहीं जाना पड़ता था। एक दिन गांव वाले उस जादुई बकरी के बारे में बातें कर रहे थे। भी उस लालची व्यापारी ने उन गांव वालों की बातें सुनी और बकरी चुराने का फैसला किया। लालची व्यापारी बकरी चुराने के लिए रात के समय राहुल के घर गया। व्यापारी बकरी के पास पहुंचा ही था कि बकरी उसे खींच कर एक पेड़ के पास ले जाती है। बकरी को खींचता हुआ देख व्यापारी समझ जाता है और उस पेड़ के नीचे खुदाई करने लगता है। खुदाई करते करते उसे एक हीरे का हार मिलता है। व्यापारी को हार मिलते ही बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर राजा के कुछ सैनिक वहाँ आ जाते हैं। में हीरे का हार देखकर सैनिक उसे चोर समझकर जेल में डाल देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच का फल बुरा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।